खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिवालय में बजट को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद सीएम गहलोत मीडिया से मुखातिब हुए। मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इनकी नीति सिद्धांत ही ऐसे हैं, इनकी वजह से देश में माहौल खराब है। इसके साथ ही संजीवनी को ऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर जमकर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि एसओजी की रिपोर्ट में सभी के खिलाफ एक ही धाराओं में केस दर्ज है। ऐसे में आरोपी और अभियुक्त शेखावत ही नहीं बल्कि उनके कई पारिवारिक लोग भी संजीवनी घोटाले में लिप्त हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि शेखावत अपने आप को अगर निर्दोष मानते हैं तो वो एसओजी के पास जाएं, अपना पक्ष रखें, गलत बयानबाजी करने के बजाय ईडी से मामले में आगे की कार्रवाई करने की पहल करें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ओपीएस को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हम एनपीएस का पैसा छोड़ने वाले नहीं हैं, पैसे के लिए हम कोर्ट तक जाएंगे, ओपीएस को हम लागू करके रहेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के रिफाइनरी में 25,000 करोड़ की हिस्सेदारी के सवाल पर गहलोत ने कहा कि हमने रिफाइनरी का प्रोजेक्ट तैयार किया था लेकिन बीजेपी ने जानबूझकर उसमें देरी की। मीटिंग बहुत अच्छी रही। सबसे अच्छी बात यह कि सभी सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सब ने जो है पूरी तैयारी के साथ आए थे। जो कैटेगरी ए बी सी बनाई गई है उनको हमने कहा प्रायोरिटी रखो, जो जरूरी जो काम है उनको प्रायोरिटी में रखो। तो तमाम लोग बहुत तैयारी के साथ आए थे। मुझे इस बात में बहुत प्रसन्नता है। ओपी लागू किया हमने, लागू करके रहेंगे हम पूरा। इसको लोगों को लाभ मिलने लग गया राजस्थान के अंदर, ये क्यों भूल जाते हैं। 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है वो 70,000 करोड़ का हो गया है। उनमें अगर साथ है तो पहले वो डिक्लेयर खुद करे ऑफिशियली। अब ये प्रोजेक्ट जो है पहले 40,000 क्या उससे 39,000 जो था मिल गया थे, वो प्रोजेक्ट अब हमारी गलतियों से जो बीजेपी ने डिले किया इसको, उसके कारण से अभी 70,000 करोड़ खर्च होंगे और वो ऐसा ही मांग रहे होंगे। इतनी बात करें, वो गलती किसकी है? उसके बावजूद भी कंपनी बनी हुई है, कंपनी बनी हुई। मैं बात करूँगा कंपनी वालों से कि क्या उनकी अप्रोच है। मुझे अभी अचानक आपने क्वेश्चन पूछा, मुझे मालूम नहीं है, मैं मालूम कर लूँगा। रिफाइनरी तो बन के रहेगी और बगैर प्रॉपर्टी सीज किए हुए आप इनके पैसा कैसे चुकाओगे? कर देंगे प्रॉपर्टियों को। अविलंब ईडी को केस को लेके प्रॉपर्टी सीज करनी चाहिए, मेरी मांग है। और ये क्या कर रहा केंद्रीय मंत्री है? अगर ये कहते मैं दोषी नहीं हूँ, आप मदद क्यों नहीं करते फिर? अगर आप दोषी नहीं हो तो आपका इसमें इन्वॉल्वमेंट था? पैसे हमने जमा करवाए, वापस विड्रॉ किए। ये इनके पिताजी, इनकी माताजी, इनकी पत्नी, इनके साले, पांचों लोग उसके अंदर हैं। पर सरकार बदलने का नुकसान देख लीजिए। आप खुद कह रहे हो कि वो क्या क्या बातें बोल रहे हैं। अगर सरकार नहीं बदलती तो अभी तो रिफाइनरी पूरी हो जाती, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पूरा हो जाता, प्लास्टिक आधारित उत्पादन शुरू हो जाता, कितनी लाखों हजारों लोगों को फ़ायदा मिलता। सरकार बदलने का नुकसान ही होता है और ये लोग सरकार बदलते ही काम बंद कर देते हैं। हमने इनका ईआरसी भी बंद नहीं कर रहे हैं। वसुन राजे के वक्त में जो काम शुरू हुआ है हम उनको आगे बढ़ा रहे हैं। कोई काम हो, किसी क्षेत्र में हो, ये हमारी अप्रोच है। इनकी अप्रोच उल्टी है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, इस बार जनता को चाहिए सरकार वहाँ पर रिपीट करे। जैसे कि जो योजना में लेके आया हूँ इस बार, वो योजना और मजबूत हो सके आगे आने वाले वक्त के अंदर। केंद्र सरकार का जो ईडी है जो छापा डाल रहा सब जगह, अब हमारा अधिवेशन हो रहा है वहाँ रायपुर में और छापा डाल रहे हैं। इतनी तो शर्म आनी चाहिए थी कि राष्ट्रीय पार्टी का महाअधिवेशन, कुछ तो डेमोक्रेसी में सीमाएँ होती है आपस के अंदर। अगर उनका राष्ट्रीय महासचिव महाअधिवेशन हो बीजेपी का और वहाँ ऐसी हरकतें कोई करें तो कोई अच्छा लगेगा लोगों को। बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन पर सीएम गहलोत का महामंथन। आज 3 घंटे तक सभी विभागों के अधिकारियों की मीटिंग ली। सीएम गहलोत ने 1,000 से अधिक बजट घोषणाओं को 3 कैटेगरी में बांटा गया।
ए बी कैटेगरी में ऐसी घोषणाएं जिनमें वित्तीय स्वीकृति की जरूरत नहीं होगी, सी कैटेगरी में ऐसी घोषणाएं रखी गई हैं जिनमें वित्त विभाग की स्वीकृति की जरूरत होगी, और ए कैटेगरी की अब तक 50 से अधिक घोषणाओं पर क्रियान्वयन शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री ने विभाग के अधिकारियों को समयबद्ध भी मीटिंग करने के निर्देश दिए। सीएस को लगातार रिव्यू मीटिंग करने के लिए कहा गया। सीएम ने कहा कि वे खुद मीटिंग का औचक निरीक्षण करेंगे। और सहयोगी नरेश हमारे साथ स्टूडियो से लाइव जुड़ गए हैं। नरेश, तो कैटेगरीज बनाई गई हैं, इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है क्रियान्वयन शुरू होना चाहिए, उन्होंने ये भी कहा कि वो औचक निरीक्षण भी करेंगे, इसके अलावा क्या कुछ खास रहा इस 3 घंटे की मीटिंग में? देखिए, प्रदेश की जनता के लिए जो बजट पेश किया गया है वो 1 अप्रैल से लागू होगा, लेकिन उस 1 अप्रैल से लागू करने के लिए जो महामंथन है वो आज 1 महीने पहले ही हो गया, और बजट घोषणा के बाद मुख्यमंत्री की पहली बैठक थी जो 3 घंटे से अधिक समय तक चली, सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे, लेकिन जो बात निकल के आई सामने वो यही है कि करीब जो 1000 घोषणाएँ मुख्यमंत्री ने की है इस बजट में, उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ए और बी में जैसे आपने बताया वो कैटेगरी है जिसमें ज़्यादा फाइनेंशियल जो है वो सेंक्शन की जरूरत नहीं है, कोई अलग से बजट उसको स्वीकृत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ विभागीय जो आदेश है, विभागीय सर्कुलेशन है, उसके आधार पे वो घोषणाएं आगे बढ़ेगी। सी कैटेगरी में वो है जो फाइनेंस में जाएगी, उनमें बड़ा बजट है, बड़े प्रोजेक्ट है, उसके लिए वित्तीय स्वीकृति की जरूरत होती है। तो आज जो ये तय किया गया कि जिनमें वित्तीय स्वीकृति की जरूरत नहीं है, जिनमें टेंडर प्रक्रिया की जरूरत नहीं है, सिर्फ विभागीय निर्देश या आदेश के माध्यम से बजट घोषणाएं पूरी होती है, उनकी तमाम जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाए, उनका ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाए, ताकि जैसे ही 1 अप्रैल आए उसके बाद वो योजना तुरंत उसको लागू कर दिया जाए। तो आज जो चीफ सेक्रेटरी ने जब ये बैठक हुई तो उसमें ये कहा कि करीब 50 से अधिक ऐसी ए कैटेगरी की योजनाएं हैं जिनके लिए ड्राफ्ट भी तैयार है, तमाम जो चीज़ें हैं वो तैयार कर ली गई विभाग के स्तर पर, और जैसे ही 1 अप्रैल होगा उसके साथ ही ये योजनाएँ लागू कर दी जाएगी। यानी कि जो मुख्यमंत्री का यही कहना था कि हर जो घोषणा है उसके लिए टाइमलाइन होनी चाहिए कि वो योजना कब पूरी होगी, और इसी के निर्देश आज उन्होंने दिए हैं। उन्होंने कहा कि तमाम जो विभाग के अधिकारी हैं वो इन बजट घोषणाओं को लेकर रेगुलर मीटिंग करें। चीफ सेक्रेटरी को भी कहा तो एक जो किस्सा है वो सामने आया, तमाम अधिकारियों ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी तो रेगुलर मीटिंग लेती रहती है, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि एक दिन मैं भी औचक निरीक्षण करूँगा कि क्या बजट घोषणाओं को लेकर लगातार ऐसी मीटिंग चल रही है या नहीं। आज का जो महामंथन का जो मुख्य फोकस था मुख्यमंत्री का, वो इसी बात को लेकर था कि इन जितनी बजट घोषणाएं हैं उनकी एक इस तरह से समयबद्ध तरीके से एक पूरा गाइडलाइन बनाई जाए, एक एक्शन प्लान तैयार किया जाए कि कौन सी घोषणा 1 महीने में पूरी होनी है, कौन सी को 2 महीने लगेंगे, किसको लंबा समय लगेगा, लेकिन जो टेंडर प्रक्रिया है उसको जल्दी निपटा लिया जाए। हालांकि कई ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जिसमें, मैंने पहले भी कहा था, कई ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जिनमें समय ज़्यादा लगता है, 2 साल 3 साल 4 साल, लेकिन उनकी जो बाकी जो फाइनेंशियल जितनी भी क्रियान्विति होनी है, जो टेंडर प्रक्रिया होनी है वो कर ली जाए, उनके शिलान्यास है उसके कार्यक्रम तय होने चाहिए, और शिलान्यास के साथ वो कब पूरा होगा उसके लोकार्पण की तारीख भी तय होनी चाहिए। यानी कि जो बजट पेश किया गया उस बजट की डिबेट में जो विपक्ष ने आरोप लगाए कि ये सिर्फ बजट जो घोषणाएं हैं ये चुनावी घोषणा है क्योंकि चुनावी वर्ष है, तो ऐसे में जो विपक्ष को जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री ने आज जो मीटिंग ली उसमें सीधा सीधा उन्होंने अपना मैंडेट दिया है कि तमाम जो बजट घोषणाएँ हैं वो समयबद्ध तरीके से आचार संहिता लगने से पहले पहले उनकी तमाम जो स्वीकृतियाँ वो जारी हो जानी चाहिए, और जिनमें ज़्यादा वित्तीय भार नहीं है, जिनके लिए कोई टेंडर प्रोसेस की जरूरत नहीं है, फाइनेंस डिपार्टमेंट की सैंक्शन की जरूरत नहीं है, वो तमाम योजनाएं हैं, वो तमाम जो घोषणाएं हैं वो 1 अप्रैल से लागू हो जानी चाहिए। तो ऐसे में ये मान के चलिए कि कई ऐसी घोषणाएं हैं जिनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होगी, 1 अप्रैल से लागू होगी और सीधा सीधा जनता को इसका लाभ मिलने लगेगा। तो आज जो 3 घंटे की मीटिंग हुई है उस 3 घंटे की मीटिंग का जो मकसद था वो यही था कि मुख्यमंत्री का सीधा अधिकारियों से संवाद करना, अपना मैंडेट बताना और सीधा सीधा निर्देश देना कि इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं होगी। उन्होंने खुद हर एक विभाग ने जब प्रेजेंटेशन दिया था अपना, तो मुख्यमंत्री ने उसमें अपने सुझाव भी दिए, उसमें क्वेश्चन भी किए उन्होंने, और बताया कि किस तरह से इन तमाम जो उस विभाग से जुड़ी जो बजट घोषणाएं हैं उनको किस तरह से पूरा किया जाएगा, उसका पूरा जो ब्लूप्रिंट है वो आज अधिकारियों ने तैयार कर लिया। और जब मुख्यमंत्री की मीटिंग हुई उसके बाद तमाम अधिकारी भी इस काम में जुट गए कि किस तरह से
एक अप्रैल से ये बजट घोषणाएं उनको लागू किया जाए। तो देखिए ये एक नया एक्सपेरिमेंट है कि जो इतनी बजट घोषणाएं हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, उनके लिए अलग अलग टाइमलाइन तय किया गया है कि किस बजट घोषणा को कब तक पूरी करनी है, और साथ में चूँकि एक अप्रैल से हालांकि बजट घोषणाएं लागू होनी है लेकिन उससे पहले उनको क्रियान्वित करने के लिए मुख्यमंत्री जो है वो बैठक लेना शुरू कर दिए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश पूरी जानकारी के लिए।